चीफ मिनिस्टर किचन की आज से शुरुआत हो रही है और लॉकडाउन है, ऐसे में तमाम एहतियात बरतते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग बरतते हुए आज इसकी शुरुआत होगी। उद्घाटन करने खुद सीएम पहुंचे, क्या वहां तैयारियां हैं, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? नहीं देखिए, हम तैयारियों को सीधा आपको दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से, जो न्यूज 11 के दर्शक हैं उनको दिखा रहे हैं कि देखिए खिचड़ी को तैयार किया गया है और उसे डब्बे के माध्यम से पैक किया जा रहा है और यही पैक खाना जो है वो जरूरतमंदों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसकी तैयारी की जा रही है और जो सूचना आ रही है आसिया की, थोड़ी देर के बाद लगभग 5 से 7 मिनट के अंतराल में ही मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पहुंचेंगे और विधिवत रूप से चीफ मिनिस्टर किचन की जो है वो शुरुआत की जाएगी। आज चूंकि इसका पहला दिन है, लिहाजा पैकेट सिस्टम ही रखा गया है, यानी डब्बा बंद खाना ही जरूरतमंदों के बीच में दिया जाएगा। और आज के बाद जो सूचना है कि यहाँ जो जरूरतमंद है वो लोग यहाँ पहुंचेंगे और उनके खाने की व्यवस्था की जाएगी, यानी रोजाना ये जो है ये आज से इसकी शुरुआत हो गई है, जो पूरे लॉकडाउन तक ये चलेगा। तो ये कवायद की गई है जिला प्रशासन के तरफ से, जिला प्रशासन का सहयोग है। इसके अलावा जो राउंड टेबल इंडिया है उनके तमाम लोग जो है वो मौजूद है इस काम में और उनके सहयोग से ये पूरा जो है इसकी शुरुआत की गई है। हालांकि आसिया, हमने देखा है कि इस लॉकडाउन के दौरान बहुत लोग जो है वो जरूरतमंदों के लिए खाना लेकर पहुंच रहे हैं अपने गाड़ी के माध्यम से। कई तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इस काम में लगातार बढ़ चढ़कर सरकार का साथ दे रहे हैं और इसी क्रम में आज से मुख्यमंत्री किचन की शुरुआत की जा रही है। थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री खुद यहाँ पहुंचेंगे और विधिवत तौर पर इस जो सीएम किचन की जो आज से शुरुआत होनी है उसका वो उद्घाटन करेंगे। आशिया, तो एक बहुत अच्छी पहल और लगातार कई जगहों पर ये कोशिश हो रही है राकेश की, भूखा ना मरे कोई भी, भूखा कोई ना रहे, ये कोशिश लगातार रही है। इस पर खास जोर भी देते रहे हैं सीएम खुद और इस किचन से काफी सहयोग होगा, लेकिन जरूरत है राकेश की ऐसे लोगों तक ये सूचना पहुंचे, उसके लिए क्या किया जा रहा है? नहीं नहीं देखिए, अभी बाहर में कई ऑटो लगाए गए हैं आसिया जिला प्रशासन के तरफ से और उनमें तमाम ऑटो में बैनर्स भी लगाए गए हैं, पोस्टर्स भी लगाए गए हैं और वो ऑटो शहर के विभिन्न इलाकों में जाएंगे जहां भी जो जरूरतमंद होगा उनके बीच खाना का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो एक तरीके से प्रचार भी होगा और जरूरतमंद यहाँ न पहुंचे, सीधे जो प्रशासन की चाहत है कि यहाँ वो उन तक खाना पहुंचाया जाए, इसकी आज से विधिवत शुरुआत हो जाएगी। और हम कुछ लोग जो हैं जो इस काम में लगे हुए हैं उनसे जरा जुड़े हैं। सर, ये क्या कॉन्सेप्ट क्या है आप लोगों का इसके पीछे? हम लोग कम से कम कोशिश कर रहे हैं कि 10,000 गरीबों के बीच में ये पैक्ड खाना बना करके डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि जो लोग घरों के अंदर बंद है, जिनके पास राशन नहीं पहुंच पा रही है, कई लोग सड़क के किनारे सोते हैं जिनके पास बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो लोग कम से कम लाभान्वित हो इससे। ये रेडीमेड खाना मेन बात वो है कि भूखा नहीं मरे कोई। ये पूरे लॉकडाउन के दौरान ये आपकी ये पूरी तैयारी रहेगी? ये बताइए कि डिब्बाबंद खाना ही है या फिर जो जरूरतमंद है अगर वो यहाँ आते हैं तो उनको भी सर्व किया जाएगा? यहाँ पे भी हम लोग यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर बना रहे हैं, जो भी जरूरतमंद आएंगे उनको यहाँ से भी बांटा जाएगा। तो आसिया देखिए, दोनों तरह की तैयारी है, जो जरूरतमंद है जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है इस लॉकडाउन की वजह से और जो स्थिति है उससे निपटने के लिए तमाम वो लोग जिन तक भोजन या राशन नहीं पहुंच पा रहा है वो लोग सीधे इस सेंटर पे आ सकते हैं। यहाँ भी शुरुआत राकेश और कई ऐसे लोग भी अब सामने आ रहे हैं। लौटेंगे राकेश आपके पास, जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे आपके पास दोबारा हम आएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है रांची से, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में न्यायपालिका भी अब आगे आई है। रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार समेत अन्य न्यायाधीश और न्यायिक पदाधिकारी 3 दिन का वेतन देंगे, पीएम केयर्स फंड में ये सहयोग वो देंगे। तो लगातार ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो पीएम केयर फंड में अंशदान कर रहे हैं अपने वेतन का, ताकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये मददगार साबित हो सके।